नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज है दोस्तों 15 जनवरी 2019 और 15 जनवरी 2019 से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती है करंट अफेयर की वीडियोस और अदर वीडियोस आती हैं उनकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आने वाले एग्जाम्स में, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इस क्वेश्चन को। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि हाल ही में ये घोषणा हुई थी कि 10% आरक्षण दिया जाएगा गरीब स्वर्णों को, यानी कि जो गरीब जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें दिया जाएगा 10% आरक्षण। गरीब इन द सेंस जिसके पास, जिनकी इनकम जो है वो सालाना 8 लाख से कम है, उनको ये 10% से आरक्षण दिया जाएगा और जिनके पास 5 एकड़ से ज़मीन कम है उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। तो ऐसा लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है वो है गुजरात, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है आपका सही है। अच्छा, गुजरात लागू कब से कर रहा है? तो ये गुजरात लागू आज से ही कर रहा है, यानी कि 15 जनवरी 2019 से ही ये लागू कर रहा है 10% आरक्षण। किन नौकरियों में करेगा? आने वाली जितनी भी वैकेंसियां हैं उनके अंदर और जिनके अभी तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, इन द सेंस कि वैकेंसी निकल चुकी है लेकिन उनके एग्ज़ाम्स और फिजिकल इंटरव्यू एक्सेट्रा कुछ भी नहीं हुआ है, तो उनके अंदर ये 10% आरक्षण गरीब स्वर्णों पे लागू कर दिया जाएगा। अच्छा, ये गुजरात की बात आई है तो मैप में देखिएगा, ये है गुजरात। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है विजय रूपाणी, बीजेपी, और ये बीजेपी पार्टी से ही हैं। गुजरात के जो मुख्यमंत्री बने थे 7 अगस्त 2016 को बने थे। दोस्तों, एक बार एक पेपर, क्वेश्चन पेपर में आया था क्वेश्चन कि गुजरात के मुख्यमंत्री किस तारीख को बने थे, तो याद रखिएगा 7 अगस्त 2016 को ये अपॉइंट हुए थे। हालांकि वो लोकल स्टेट का एग्ज़ाम था हरियाणा का, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, आया हुआ एग्ज़ाम में है। गुजरात के जो राजधानी है वो गांधीनगर है, ये मैप में देखिएगा, ये है गुजरात और ये जूम किया हुआ फ़ोटो है। गुजरात के जो राज्यपाल है उनका नाम है ओम प्रकाश कोहली। अच्छा, गुजरात से एक ख़ास बात और है, यहाँ पड़ता है अरब सागर और गुजरात की सीमा जो है तट रेखा से सर्वाधिक लगती है भारत में, ऐसा राज्य है ये नंबर वन पे। इसकी लगभग सीमा है 1600 किलोमीटर। मैंने कहा है राज्य, अगर केंद्र शासित प्रदेश का नाम आता है तो अंडेमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी 1962 किलोमीटर लगती है, याद रखिएगा। राज्य अगर पूछा जाए तो गुजरात नंबर वन पे है और आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो नंबर दो पे है, लगभग 1100 किलोमीटर है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। गुजरात में अक्षरधाम मंदिर भी है, वो भी आप याद कर सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के दौरान मौसम की जानकारी के लिए किस नाम से विशेष मोबाइल एप्लीकेशन सेवा जारी की गई है? तो आप सभी को पता होगा हाल ही में कुंभ मेले जो है वो इलाहाबाद प्रयागराज में शुरू हो चुका है 14-15 जनवरी से और ये लगभग मार्च तक चलेगा, 4-5 मार्च तक चलेगा ये आपका। और अभी हाल ही में ये मौसम की जानकारी देने के लिए जो एप्लीकेशन शुरू की गई है उसका नाम है कुंभ मेला सेवा एप्लीकेशन, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है आपका सही है, कुंभ मेला मौसम सेवा एप्लीकेशन। अच्छा, ये एप्लीकेशन शुरू किसने की है? तो ये एप्लीकेशन शुरू की है हमारे विज्ञान मंत्री हैं, उनका नाम, विज्ञान और पर्यावरण मंत्री कह सकते हैं, उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ये एप्लीकेशन शुरू की है, याद रखिएगा। अच्छा, ये है वो एप्लीकेशन, कुंभ मेला वेदर सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन, कुछ उसका ऐसा इंटरफेस है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अच्छा इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि इलाहाबाद का नाम अभी प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयाग किसे बोलते हैं? प्रयाग उसे बोलते हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा नदियाँ मिलती है, उस जगह को बोलते हैं प्रयाग। और यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती, तीन नदियों का मिलन है इलाहाबाद में, इस करके बोलते हैं इसको प्रयागराज। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान के जो विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है डॉक्टर सीपी जोशी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है आपका वो सही होगा। डॉक्टर सीपी जोशी जो हैं वो कांग्रेस के विधायक हैं और ये राजस्थान के एक सीट है नाथद्वारा, ये नाथद्वारा सीट के विधायक हैं याद रखिएगा, और इन्हें अभी राजस्थान के विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। ये देखिएगा ये फोटो में, ये हैं आपके सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी, इन्हीं राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा राजस्थान की बात आई है तो मैप में देखिएगा ये है राजस्थान। राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, लगभग 3,41,000 किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत है, अभी बने हैं आपके, और ये कांग्रेस पार्टी के हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है भारत का, याद रखिएगा। सन सिटी जोधपुर है और पिंक सिटी जयपुर है। ये जूम किया हुआ फोटो है राजस्थान का, और राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कल्याण सिंह, ठीक है, ये 2014 से बने हुए हैं याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद आता है, वो ये है आपका राजस्थान में है सांभर झील, और ये जयपुर में ही पड़ती है, और जयपुर में इस झील है, भारत में सर्वाधिक खारा पानी जो है इस सांभर झील का है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो भारत में चिल्का झील है, लेकिन ज़्यादा खारा पानी जो है वो सांभर झील का है, याद रखिएगा। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसी क्वेश्चंस की जानकारी याद रखनी है इतनी आपको। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जीएसटी कंपोजिशन योजना के तहत कारोबारियों को अप्रैल 2019 से कितनी राशि तक की छूट देने की घोषणा की गई है? तो अप्रैल 2019 तक 1.5 करोड़ रुपए की राशि की छूट देने की घोषणा की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है आपका वो सही है। ये घोषणा की है आपके 1.5 करोड़ तक की। तो अब जीएसटी की बात आती है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपका जीएसटी की फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। अच्छा भारत में जीएसटी डे कब मनाया जाता है? तो जीएसटी डे हर बार मनाया जाता है 1 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ही जीएसटी पूरे भारत में लागू हुआ था। अच्छा पूरे भारत में लागू हुआ था तो कौन सा राज्य सबसे लास्ट में लागू हुआ था? तो वो था J&K, यानी कि जम्मू कश्मीर में सबसे लास्ट में लागू किया गया था ये। अच्छा जीएसटी के बारे में बात आती है और आपकी, तो जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, आई मीन कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो याद रखिएगा जीएसटी जो है आपका वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने युवाओं में इस्लामिक रिवाजों और पूर्वोत्तर की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे को किस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये पाकिस्तान भाई साहब ने इस वैलेंटाइन डे को सिस्टर डे मनाने की रूप में घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हे भगवान, इस दिन को तो छोड़ देते यार, एक ही दिन तो था पूरे साल में, इसको भी मतलब बहन का दिन, अरे भाई कोई और बहुत सारे दिन थे, पर पाकिस्तान सच में तुमसे यही उम्मीद थी हमें, इससे बढ़िया कोई उम्मीद नहीं थी। ये देख लो भाई, ये सिस्टर डे, ये मना लेना जो पाकिस्तान प्रेमी हो कोई, और जो है भाइयों और उनकी बहनों, ठीक है मेरी तो है नहीं भाई, तो भाइयों और उनकी बहनों ये उनके लिए, बाकी औरों के लिए तो यही है, तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वही दौलत हो, किस लिए देखती हो शीशा, तुम तो खुद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। ये बाकियों के लिए भी हैप्पी वैलेंटाइन डे एडवांस में। अच्छा पाकिस्तान की बात आई है तो ये देखिएगा मैप में पाकिस्तान, वैसे देखना तो नहीं चाहिए इतनी, मतलब कोई ख़ास बात है नहीं इस पाकिस्तान के अंदर, और ऐसे काम करने के बाद में तो फिर भी बिल्कुल भी नहीं है। अरे भाई सच में दिन ही एक बचा था, उसको सिस्टर डे, तो फिर हम सबको बहन बनाएंगे, कमाल ही होगी। पर कोई बात नहीं, दिल पे माउंट एवरेस्ट रख के देख लो, ये पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है इसको कहते हैं रेड क्लिफ, ठीक है, बिल्कुल रेड क्लिफ कहना ही चाहिए, खतरे का निशान है। अब पाकिस्तान ने ऐसा मना दिया, भारत वाले फिर मनाएंगे ऐसा, तो ये रेड क्लिफ ये खतरा है, याद रखिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसके प्रधानमंत्री हाल ही में बने थे आपके, क्रिकेटर हैं, उनका नाम है इमरान खान, तो इतना याद रखिएगा आप इस क्वेश्चन से। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, डूब के मरना चाहिए ऐसे काम कर रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है,
निम्न में से किस देश ने कहा है कि ईरान से तेल खरीदने के लिए भारत को और रियायत नहीं दी जाएगी? तो ऐसा अभी कहा है हाल ही में अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा है कि ईरान से तेल खरीदने के लिए भारत को और रियायत नहीं दी जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है आपका, वो है आपका सही। एक्चुअल में नवंबर 2018 में नेपाल इसने ईरान अमेरिका ने कह दिया था कि भारत को ईरान से तेल खरीदने के लिए और छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि नवंबर 2018 में लगभग 6 महीने की छूट मिल गई थी, अब उसके बाद में और छूट नहीं मिलेगी, इन्होंने ऐसी फाइनल घोषणा कर दी है। अच्छा, अमेरिका और ईरान दोनों की बात आई है, तो ये देखिएगा मैप में। पहले अमेरिका के बारे में देखते हैं। ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अच्छा, ये है मैप में ईरान। ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है, और ईरान की जो करेंसी है वो ईरानी रियाल है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है हसन रूहानी है। अच्छा, यहाँ पे एक चाबहार बंदरगाह पड़ता है, आपको पता हो तो, और उस चाबहार बंदरगाह की पूर्णतः इस बार देख रेख करने जा रहा है हमारा भारत। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी दूसरे देश का बंदरगाह भारत उसकी निगरानी रखेगा। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय बल्लेबाज ने पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान AB डिविलियर्स के 206 छक्के को पछाड़कर वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं? तो ये जो व्यक्ति हैं वो है रोहित शर्मा। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है रोहित शर्मा, और इस साइड हैं ये AB डिविलियर्स। ठीक है, इन्होंने ही रिकॉर्ड तोड़ा है अभी हाल ही में AB डिविलियर्स का, और ये 5वें नंबर पर पहुँच चुके हैं। चलिएगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, 91 पदक के साथ खेले गए भारत युवा खेलों में यह राज्य सबसे ऊपर है? तो अभी हाल ही में जो सबसे ऊपर जो राज्य आपका आया है वो है महाराष्ट्र। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो सही है आपका। आपको पता होगा खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुए थे, और 91 पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने, ये नंबर 1 पे आया है। इस 91 पदक में 37 स्वर्ण पदक जो है वो महाराष्ट्र के हैं सबसे ऊपर, और 35 गोल्ड जीते हैं दिल्ली ने, वो दूसरे स्थान पे आया है, और 29 गोल्ड जीते हैं हरियाणा ने, जो किया है तीसरे स्थान पे। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है याद रखना, लास्ट टाइम हरियाणा नंबर 1 पे था, इस बार महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। अच्छा, इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बनता है आपका अभिनव, एक 10 वर्ष का लड़का है अभिनव, उसका नाम है अभिनव, और ये 10 वर्ष का है, सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बना है। इन्होंने याद रखना, इन्होंने मेहुली घोष के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल को 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में स्पर्धा जीतने में मदद की थी। इतना याद रखिएगा, ये 10 वर्ष के अभिनव घोष हैं, अभिनव शाह, इन्होंने ही सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बने हैं ये। अच्छा, महाराष्ट्र की बात आई है, तो ये देखिएगा मैप में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, BJP पार्टी से है। ये मैप में महाराष्ट्र है, ये जूम किया हुआ फोटो, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं उनका नाम है CV राव। मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस होंगे आपके। चलिएगा, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और ये खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल की शुरुआत किसने की थी? तो हमारे खेल मंत्री है जिनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। इनको 2004 ओलंपिक में ये खुद सिल्वर पदक विजेता है शूटिंग में, इतना याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यह कंपनी 10 इरिडियम संचार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगी? तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो 10 इरिडियम संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी? तो वो कंपनी है SpaceX। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। SpaceX Falcon 9 ने इरिडियम कम्युनिकेशन उपग्रह को लॉन्च किया है अभी हाल ही में, जिसमें 10 वॉइस और डेटा उपग्रह शामिल है। ये साथ में वॉइस और डेटा उपग्रह साथ ही भेजते हैं, और कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग वायुसेना स्टेशन से इन्होंने लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, ये जो है ये उपग्रह बेसिकली इन्होंने मूल रूप से 1997 और 2002 के बीच में पहली पीढ़ी के उपग्रह इन्होंने लॉन्च कर दिए थे, और अभी ये हाल ही में 77 इरिडियम परमाणु नक्षत्र हैं वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इतना आप याद रखिएगा इस SpaceX से। अच्छा, SpaceX है तो SpaceX के जो
के बारे में जानते हैं, ये है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स के सीईओ है, उनका नाम है एलन मस्क। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है स्पेसएक्स के सीईओ, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 मई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और एम्प्लॉय वगैरह है, इतना तो एग्ज़ाम में नहीं हो सकता, बस हेडक्वार्टर, स्थापना कब हुई और उसके फाउंडर या सीईओ के बारे में पूछा जा सकता है। चलिएगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन किया है वो हमारे खेल मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, इन्होंने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है आपका वो सही होगा, इन्होंने किया है यह शुभारंभ। और यह शुभारंभ 24 फरवरी 2019 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 24 फेब 2019 तक की यह शुभारंभ चलने वाला है। अच्छा, इसका थीम क्या है वो भी आपको याद रखना है। इस बार का इसका थीम है आपका न्यू इंडिया की आवाज़ बने। क्या बोला मैंने आपको? न्यू इंडिया की आवाज़ बने, ये याद रखिएगा, न्यू इंडिया की आवाज़ बने इस बार का थीम है। और वैसे पूरा थीम तो इसका है न्यू इंडिया की आवाज़ बने और समाधान खोजे और नीति में योगदान दे। कंप्लीट तो ये है, शॉर्ट में आप याद कर सकते हो न्यू इंडिया की आवाज़ बने। अच्छा, युवा मामले के मंत्री ने इस महोत्सव को देश के हर नुक्कड़ पर ले जाने के लिए प्रस्ताव रखा है ताकि हर गली नुक्कड़ में जाए ये, और जिला युवा संसद का आयोजन और युवाओं को घर द्वार तक पहुंचाने के लिए, देश के युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा मौका है, ऐसा इन्होंने साझा किया है। मैंने अभी बताया है कि जो ये आपके मंत्री हैं ये इन्होंने 2004 में खुद शूटिंग में ओलंपिक में आपका सिल्वर मेडल जीता था, वो भी याद रखना है आपको, ये राजस्थान से हैं, इतना भी याद कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया। मैंने अभी आपको बताया थीम इसका यही है, बी द वॉइस ऑफ इंडिया, नई इंडिया की आवाज़ बने। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय लेखक का नाम थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता है। तो ऐसी कौन है जिन्हें सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो उनका नाम है नामिता गोखले, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इस उपन्यास के लिए मिला है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसके लिए मिला है इन्हें सुशीला देवी साहित्य अवार्ड मिला है। अच्छा, ये हैं आपकी नामिता गोखले और इन्हें ही मिला है सुशीला देवी साहित्य अवार्ड। ये दिया किसके द्वारा है? ये भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल के द्वारा दिया गया है और इनकी किताब रखी गई है बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन, ठीक है, इसके द्वारा इनकी किताब को भी बेस्ट अवार्ड मिला है, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मीरा सान्याल का निधन हो गया है 12 जनवरी 2019 को। वह एक पूर्व बैंकर और कौन क्या थी? तो एक राजनेता थी आपकी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये आम आदमी पार्टी की नेता थी, ये देखिएगा आप मैप में, यही है आपकी मीरा और इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिएगा, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें सिख गुरु की 352वीं जयंती की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह जी पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो एक तो इम्पोर्टेंट है, हम 10वें गुरु जो हमारे थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी, पहले गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी। अच्छा, गुरु नानक देव जी की एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू की थी, ठीक है, लंगर व्यवस्था को वैसे सुचारू रूप से चलाया था दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव जी ने, लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग की थी गुरु नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था गुरुद्वारे में जो होती है। और इन्होंने हाल ही में भी गुरु गोविंद सिंह जी पर 350 रुपये का सिक्का लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है और फिर आज का वीडियो का क्वेश्चन देता हूँ, आप उन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से लिखिएगा। ये बेसिकली 350 रुपये का सिक्का है जो लॉन्च करते हुए दिखा रहे हैं, ये साथ में ये खड़े हैं हमारे साइलेंट प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी।
चलिए लास्ट वीडियो का क्वेश्चन हमारा था, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2019 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन था आपका बिल्कुल सही, मिस्र। तो मिस्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं और इसकी जो राजधानी है वो काहिरा है और इसके इसको नील नदी का वरदान भी बोलते हैं, याद रखिएगा। काहिरा इसकी राजधानी है और नील नदी का वरदान बोलते हैं मिस्र को। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया है, आप इसके बारे में डिटेल भी लिखना सीख जाइए। जितनी ज़्यादा डिटेल लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपको लिंक होएंगे जीके का, ठीक है। और लिंक होएंगे क्वेश्चंस भी लिंक होएंगे आपको, जीके का भी आपको लिंक हो जाएगा साथ में। आज का जो हमारा वीडियो का क्वेश्चन है, आलोक वर्मा के स्थान पर हाल ही में किसे CBI का अंतरिम निदेशक बनाया गया है। तो इसके ऑप्शन है एम नागेश्वर राव, VP पंत, अनिरुद्ध शर्मा और विवेक बंसल। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप कमेंट में लिखिएगा और साथ में जो भी डिटेल है वो भी लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।